ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा मैंने पहले बताया था, एक बार मॉडिफिकेशन सब हो जाएंगे तो अभी डायरेक्ट हम सिर्फ बस राइड करना चालू करने वाले हैं। तो यही आज निकल गए हम लोग पहली राइड के लिए। और बोलते हैं ना, ऑफ बीट पेस है, आप लोगों को पता भी नहीं होगी या पता भी होगी, आई डोंट नो। तो आफ्टर ऑल ये जब हम जा रहे हैं, ये रहेगा करजत साइड का प्लेस। अब एग्जैक्टली किधर है वो मैं भी कभी मालूम नहीं है, बस हाँ मेरे को मिला है, सजेशन मिला कि भाई हाँ इधर जाके देखो, अच्छा प्लेस है, पीस आउट एकदम, इसके लिए उधर जाने का प्लान किया। सो देखते हैं अभी। और क्या ठंडी है यार, लिटरली इतनी आजकल इतना ठंडी गिर रहा है ना मुंबई में, मतलब लिटरली क्या हालत ख़राब है। अंदर से मैं स्वेट शर्ट वगैरह डालने के बावजूद भी इतना ठंडी लग रहा है सुबह सुबह में, क्या ही बताओ। बट मज़ा आ रही है राइड करने में, देखते हैं अभी निकले तो है, आगे आगे देखते हैं और क्या क्या नया, क्योंकि आज जो भी हम एक्सप्लोर करेंगे सब नया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आज तक तो हम लोग, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था जगह का। तो आज आके चेकआउट करते हैं कैसी है। अरे यार, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, बस चाय वगैरह पी के निकला था मैं निकलने के टाइम ही, बट थोड़ा ही आगे आने वाला, जस्ट अभी मैं कितना पनवेल क्रॉस किया हूँ, और अभी से फिर से चाय पीने का मन कर रहा है, क्योंकि ठंडी बहुत बेहिसाब है। तो एकदम आराम से चल रहा हूँ, 50-60-70 बस यही स्पीड पे चल रहा हूँ, देख सकते हो 60-70 का मैंने एवरेज पकड़ के रखा हूँ बस, क्योंकि उससे ज़्यादा भगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है ठंडी में। एक तो मैं अंदर इतना मस्त बोले ना, जैकेट है ना और सब गियर अप रहने के बाद भी इतनी ठंडी लग रही है, मेरा हवा से भी समझ रहा होगा कि वो ठंडी कितनी लग रही है करके। और ऐसे क्लाइमेट में कितना भी लॉन्ग राइड रहने तो कुछ नहीं लगता, बस क्लाइमेट ठंडा रहना चाहिए, मगर ये कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। नॉर्मली तो मैं इधर लेता हूँ, आज ठंडी वजह से मैं स्टार्टिंग में ही चाय ब्रेक ले लिया था, अभी इधर नहीं, इधर नहीं रुकता क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया था, तो इतना जल्दी रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट देखते हैं अभी चौक वगैरह, मैंने तो माथेरान साइड में किधर तो देखते हैं चाय वगैरह के लिए स्टॉप, अभी इधर तो नहीं रुकते। क्या प्यारा रोड दिख रहा है, देखो लिटरली अभी सुबह के 9 बजने आ गए, इतनी धूप बाहर दिखने के बावजूद भी इतनी ठंडी लग रही है। आई डोंट नो कि यहाँ से कितना किलोमीटर और दूर है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी करजत रोड पे ही है, मतलब ज़्यादा भी अंदर नहीं, बस चौक से लेफ्ट लिए और अभी करजत रोड पे चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी यार बोलते ना, केल केल डायरेक्ट लिटरली गाइस, मतलब बोलते ना पूरे हाथ सुन पड़ गए, इतना ग्लव्स एंड ऑल डालने के बावजूद भी पूरे हाथ देखो सुन पड़ गए हाथ। यहाँ पे हम लोग मेन करजत के चौक पे, भी यहाँ से सीधा करजत और लेफ्ट में माथेरान, और जहाँ पे हमको जाना है वो लेफ्ट में है, यहाँ से उन्होंने लेफ्ट में ले लिया है। अप्रोक्सीमेटली 10-15 किलोमीटर और बचे रहेंगे यहाँ से, ज़्यादा उससे ज़्यादा तो रहेंगे नहीं। मतलब तो ये शौक हुआ कि मैं ये रोड पे इतने बार आया मगर ये लोकेशन कैसे छुपी रही है मेरे से। हाँ भाई, बताया था ना मैंने, ये ऑफ बीट प्लेस है, एक्चुअली मालूम नहीं है सबको ज़्यादा, मेरे को खुद को, मैं कितने बार माथेरान में आ चुका हूँ, माथेरान करजत ये एरिया तो मैं बहुत बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ, और मेरे को खुद को आज पता चला था ये प्लेस के बारे में, इसके लिए थोड़ा कुछ नया मालूम पड़ा है, तो चलो पहले एक्सप्लोर कर लेते।
ऑफ रोड है तो। हाँ फुल ऑफ रोड प्लेस है और रोड भी ऑफ रोड ही है। जाती है क्या बाइक का टायर का निशान है ना? बाप रे क्या रिस्की रोड है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे रोड है ही नहीं, फुल ऑफ रोड है ये। मेरे को बस बाइक उधर तक लेके जानी है क्योंकि मेरे को जो लोकेशन में जा रहा हूँ उधर फोटो चाहिए मेरे को। ओहो ये रहा जीरो, बाकी व्यू क्या मस्त है यार इधर से। और यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी करते हैं पब्लिक। मेरे को बस एक जगह वहाँ से बाइक जाती है तो मैं बाइक उधर लेके चला जाऊँगा, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। लोकेशन तो ऑसम है बट एक ही प्रॉब्लम है कि बाइक उतारने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। उतार तो लूँगा मैं, उतना तो मेरे को श्योर है क्योंकि इधर तक आ गया हो तो भाई आगे तक लाऊंगा ये बाइक में। बस लाके फंसनी नहीं चाहिए गाड़ी क्योंकि ये जो सामने का पोर्शन है ना ये पाइप की वजह से थोड़ा रिस्क लग रहा है। एक तो रोड भी गीला है उधर से पानी चालू है। चलो इधर तक आया तो नहीं रुकने वाला भाई, ट्राई तो करूँगा ऑब्वियसली बात है, और उतना तो भरोसा है फ्यूरी पे चढ़ तो जाएगी वो। बस पूरा प्रॉपर ऑफ रोड हो जाएगा उसके लिए आज। चलो चला तो इतना आया तो नहीं भाई, चुप रहूँगा। बाइक लाने यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था मगर यहाँ के लोकल जो ये डैम के इधर रहते हैं वो नहीं परमिशन दे रहे क्योंकि बोलते हैं वो नीचे जाने की परमिशन ही नहीं है, आउट वाले पर नीचे जाने के लिए परमिशन ही नहीं बोल रहे बाहर की बाइक्स को, बस जो अंदर डैम पे रुकते वो लोग के लिए ये। और रोड भी देखो कैसा है इधर से, और अपना बोला चलो बाइक तो उधर आगे पार्क कर दिया ऊपर ही, और सोचा चलो बाइक से जाने नहीं मिल रहा तो कम से कम चल के ही जाते हैं। बाकी क्या पीस आउट प्लेस है यार, लिटरली मतलब इतना शांति है ना, इतना मस्त शूट हुआ, इतना आराम से बैठा था इधर, फुल पीस आउट है। मेरे को ये वाला पोर्शन बहुत सही लगा, देखो ना मेरे को इधर ही फोटो निकालने का था एक्चुअली। ये झाड़ पीछे पानी बीच में हमारी आफ्यूरी सॉर्टेड लगती थी, बाकी जगह एक मस्त है। वो कुछ और भी बता रहे थे कि उधर आगे से भी रोड रहता है उधर से आने के लिए, मगर बोला भी फिर इतना ऑफ रोड कौन करेगा।
और यहाँ पे बहुत लोग कैंप वगैरह करने आते हैं यार, कैंपिंग वगैरह करने मस्त लोग आते हैं, उधर भी कैंपिंग उधर क्रिकेट खेल रहे हैं, सॉर्टेड प्लेस है। अगर मतलब बोले ना स्टे के लिए आना है ना, अगर कैंपिंग वगैरह करने के लिए, एकदम सही प्लेस है ये। ऑलराइट, सो पूरा एक्सप्लोर करके हो गया, बाकी प्लेस यार बहुत वर्थ था यार, मज़ा आ गया। मतलब बोले ना फुल सॉर्टेड ब्लॉग था आज का, इतना मस्त शूट किया आप लोगों को बताया, शूट पर रहे इंस्टा आईडी आ रहा होगा, इंस्टा आईडी पे आपको सब देखने मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सही शूट हुआ, मज़ा आ गया आज का। बस अगर बाइक नहीं चलाने मिल जाती ना तो भाई बोलते ना सोने पर सुहागा हो जाता। हाँ बेचारी हमारी सूरी जो किसी अकेले खड़ी है। सो अभी निकलते, अभी मैंने एक चैलेंज बाकी है बस, क्योंकि आपने आने के टाइम ही देखा था रोड इतना ख़राब था, अभी हमें वहाँ से उतरना है। एक बार चढ़ना आसान रहता है, उतरना हार्ड रहता है, क्योंकि बाइक तब कंट्रोल में नहीं रहती है, ऊपर से रोड एकदम ही ख़राब है और थोड़ा रिस्की रोड है ये। तो अभी चलो निकलता हूँ पहले यहाँ से। ये एक पोर्शन की वजह से हम लोग को नहीं आने मिला, वो भी आ जाते हम लोग, बट सर वो जो डैम के इधर काम कर रहे वो लोग भी नीचे नहीं आने दे रहे। हाँ नॉट एन इशू, बट वर्थ द प्लेस। हाँ और अभी धूप भी मस्त होने लगी है, मतलब सुबह में इतना ठंडी था और दोपहर में इतनी कड़क धूप, ऊपर से हम जैकेट एंड ऑल, क्या मस्त दिख रही है फ्यूरी हमारी। चलो निकले अभी इधर से, और रोड यार रोड, मतलब देखो ना क्या रोड दिख रहा है इधर। अभी तो पूरा नहीं हुआ, अब भी मैंने तो रोड पूरा कच्चा है, ऊपर से पूरा मिट्टी वाला रोड है ये। हो गया थोड़ा ही बचा है अभी। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए मेन रोड के ऊपर, जो हमारा चैलेंजिंग पोर्शन था वो भी पूरा हो गया है, अभी बस घर जाना है स्ट्रेट अपना। शॉर्टेड राइड थी एकदम, बोलते ना मतलब शॉर्ट एंड सिंपल। हाँ शॉर्ट एंड सिंपल भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा लगता है इधर आने के लिए भी, तो राइड भी अच्छी हो गई हमारी। उसके साथ ही साथ रोड भी चैलेंजिंग था बस, हाँ ऐसे नहीं का स्ट्रेट स्ट्रेट रोड था, रोड भी चैलेंजिंग था। हमने देखा कि उधर जाने के लिए कैसा एकदम ऑफ रोड था पूरा, जहाँ पर हमारी फ्यूरी जा नहीं सकती थी वहाँ पर उन्होंने उसको लेके गए, बट वर्थ था इतना ले, इतना स्ट्रगल करना वर्थ था उसके लिए। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपको पता है क्या करना है अभी। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो, अगर अपने दोस्तों लोग को आपको ये लोकेशन भेजना है तो उनको शेयर करो। और हाँ सबसे एक मेन पॉइंट, ये ऑफ बीट प्लेस है तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ना इस लोकेशन का गूगल मैप का जो लिंक रहता है वो मैं लिंक यहाँ पर डाल दूँगा, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट जो है अपना गूगल मैप ओपन करके आ सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं है, सॉर्टेड है एकदम, भी बोलते टफ नहीं हो सकती राइड, सो आप लोग भी आ सकते हो। बस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।